नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे बीजेपी प्रत्याशी कृष्णा गौर और कांग्रेस ने खड़ा किया है रविंद्र साहू झूमरवाला को। जी देखिए, मैं तो एक लोकल मतदाता के आधार पे बोल रहा हूं। जी, तो पूर्व में शुरू से यहां इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रचम बहुमत से यहाँ विजयी रही है, और उसका एक कारण भी है कि वो एक ऐसी महिला है कि जो कार्यों, विकास के कार्यों में बहुत ध्यान देती हैं। तो क्या इस बार भी लगता है कृष्णा गौर? अभी जो जैसे हम, मैं कुछ आपको बताऊं कि सीएम राइज स्कूल यहाँ पे खुलवाया गया है, दूसरा एक बहुत बड़ा 100 बिस्तरों का एक हॉस्पिटल भी इस क्षेत्र में खुल गया है, उसकी ओपनिंग भी हो गई, उसका शुभारम्भ भी हो गया है। इसके अलावा और भी हम देखें तो रोड भी जो पहले वो पड़ी हुई थी, सब अच्छा वो हो रहा है, कार्य हो रहे हैं, गार्डन सुधारे गए हैं, तो विकास के कार्य तो यहाँ हो रहे हैं। तो कुछ जगह अपन मान सकते हैं कि हो सकता है कोई कमी नहीं, लेकिन अभी वर्तमान में नर्मदा का जल सबको प्राप्त हो रहा है, कुछ क्षेत्रों में नर्मदा जल पहुँचना। देखो, अभी जो लहर चल रही है वो मोदी जी के नाम पर चल रही है, और हम तो चाहेंगे कि मोदी जी फिर से आए, तो बाकी टीम भी आना जरूरी है। तो बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज के साथ। धन्यवाद।